केकेआर ने पॉइंट्स टेबल में लंबा छलांग लगाया, आरसीबी एमआई सहित सभी टीमों की धड़कनें बढ़ाया। जी हां, आईपीएल 2023 का जो 53वां मुकाबला खेला गया केकेआर वर्सेस पंजाब किंग्स के बीच, ये लास्ट बॉल थ्रिलर साबित हुआ और इस मुकाबले को केकेआर ने अंतिम बॉल पे अपने नाम किया। उनके लिए इस साल हीरो रहे रिंकू सिंह ने फिर से एक बार कारनामा किया और अंतिम बॉल पे बाउंड्री लगाकर ये मुकाबला उनके नाम कर दिया। और इस जीत के साथ अगर हम पॉइंट्स टेबल की बात करें तो यहां पे कोलकाता नाइट राइडर्स ने डायरेक्ट 8वें स्थान से लंबी छलांग लगाकर 5वें स्थान पर कूद गई है और इसने मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और पंजाब किंग्स जैसी बड़ी टीमों को अब पीछे कर दिया है। जब टूर्नामेंट शुरू हुआ था उसके आगाज की अगर हम बात करें तो उस वक्त दिल्ली समेत कोलकाता नाइट राइडर्स का हालत बहुत खस्ता था, इसके प्लेयर्स यहां पे अवेलेबल नहीं थे, चोट से जूझ रहे थे, वहीं पेसर काफी स्ट्रगल कर रहे थे। उसके बावजूद इस टीम ने अच्छी खासी वापसी की है, उनके स्पिन गेंदबाजों ने बहुत ही जबरदस्त इनकी मैच में वापसी कराई है, प्लस आंद्रे रसेल का फॉर्म में आना, रिंकू सिंह का खोज होना, वहीं अगर हम बात करें टॉप ऑर्डर में जैसन राय का इस टीम से जुड़ जाना, इस टीम के मोटिवेशन में चार चांद लगा दिया और ये खिलाड़ी काफी खूबसूरती से अपना प्रदर्शन देते हुए नजर आ रहे हैं और पॉइंट्स टेबल पे वो झलकता हुआ भी नजर आ रहा है। अगर हम केकेआर के पॉइंट्स की बात करें तो उन 11 मैचों में उनके 10 पॉइंट हो गए हैं और ये टीम अब आरसीबी, पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस जैसी टीमों के बराबर आ चुकी है अंक तालिका में। वहीं राजस्थान रॉयल्स की भी बराबरी कोलकाता नाइट राइडर्स ने इस मैच जीत के साथ कर ली है, तो आप देख सकते हैं कि कड़ी टक्कर बनी हुई है पॉइंट्स टेबल में। और इस साल का पॉइंट्स टेबल ऐसा है कि 53 मुकाबले बीत चुके हैं लेकिन अभी तक कोई भी टीम डिस्क्वालिफाई नहीं हुई है, सभी टीमों के प्रैक्टिकल चांसेस बने हुए हैं कि वो प्लेऑफ की दौड़ में पहुंच सकते हैं। इवन दिल्ली कैपिटल्स जो 10वें स्थान पे हैं उनके भी जो चांसेस हैं वो जीवंत हैं और वो भी प्लेऑफ की होड़ में बने हुए हैं। तो ये जो होड़ है इस पॉइंट्स टेबल में दर्शाता है कि कितना कॉम्पिटिटिव ये टूर्नामेंट हो गया है और सभी टीमें कितना जद्दोजहद में लगी हुई हैं कि प्लेऑफ में वो अपना जगह सुनिश्चित कर लें। लेकिन केकेआर ने जो वापसी की है वो काबिले तारीफ है, उनके स्पिन गेंदबाजों ने आज के मैच में छाप छोड़ी है, खासकर वरुण चक्रवर्ती ने, फिर ट्रिपल आर ने अपना काम किया, नीतीश राणा, आंद्रे रसेल और रिंकू सिंह ने मैच को फिनिश किया और ये मैच जिताकर उन्हें अब 5वें स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया है। तो पॉइंट्स टेबल पे एक नजर हम ऊपर से नीचे तक डाल लें तो गुजरात टाइटंस आपको टॉप पे दिखेगी और इनका लगभग क्वालिफिकेशन भी कंफर्म हो गया है कि क्योंकि ये टीमें अब 16 पॉइंट तक ही स्ट्रगल करती हुई नजर आएंगी जो बाकी की बची टीमें हुए हैं। एक चेन्नई सुपर किंग्स जो है वो 17 पॉइंट तक पहुंच सकती है, उसके अलावा बाकी टीमें यहां पे स्ट्रगल करती हुई नजर आएंगी कितने 16 पॉइंटों के लिए, जिस कारण गुजरात टाइटंस का क्वालिफिकेशन अब लगभग कंफर्म हो ही चला है। जो ही अगला मैच जीतेंगे वो क्यू यहां पे लिख दिया जाएगा इनके आगे। बात करें चेन्नई सुपर किंग्स के तो इनके भी दावे काफी मजबूत हैं क्योंकि इनके 11 मैचों में 13 पॉइंट हो चुके हैं और इनको भी अब लगभग अपने 2 मैचेज कम से कम जीतने हैं जिस कारण ये भी क्वालिफाइड हो जाएंगे। उसके बाद जो 2 बचे स्पॉट हैं इसके लिए काफी जद्दोजहद जारी है क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट्स भी डिक्लाइन की तरफ चल रहा है, वहीं राजस्थान रॉयल्स का भी पतन होता हुआ दिख रहा है, काफी मैचेज हार रहे हैं, अपने 6 मैचों में 5 मैचेज राजस्थान रॉयल्स हार चुकी है जिस कारण ये भी डिक्लाइन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और इनका प्लेऑफ में पहुंचना मुश्किल होता हुआ जा रहा है। वहीं अगर हम बात करें बॉटम वाली टीमों की तो वहां पे सनराइजर हैदराबाद, दिल्ली कैपिटल्स जैसी टीमें इंस्पिरेशनल परफॉर्मेंस दे रही हैं और बड़ी बड़ी टीमों को लास्ट फेज ऑफ द टूर्नामेंट में मात देती हुई दिख रही हैं जिस कारण ये पॉइंट्स टेबल काफी दिलचस्प हो गया है। बात कर लेते हैं 5वें नंबर की टीम की तो वो कोलकाता नाइट राइडर्स हो गई है, 11 मैचों में 10 पॉइंट हुए हैं और नेट रन रेट के आधार पर उसने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को पीछे कर दिया है। बैंगलोर ने हालांकि 10 ही मुकाबले खेले हैं, उनके 10 पॉइंट हैं और लेकिन नेट रन रेट के आधार पर वो केकेआर से पीछे हैं। वहीं पंजाब किंग्स से भी 11 मुकाबले हो गए हैं जो कि पॉइंट्स टेबल में अब 6ठे स्थान पे हैं और इनके भी 10 पॉइंट हैं, माइनस में इनका भी नेट रन रेट है। मुंबई इंडियंस का भी हालात खस्ते हैं लेकिन इन्होंने भी मात्र 10 मैच खेले हैं, 10 पॉइंट मुंबई इंडियंस के भी हैं और नेट रन रेट के आधार पर ये 8वें स्थान पे हैं। वहीं हम बात कर लें सनराइजर हैदराबाद की तो वे 9वें स्थान पे हैं, 10 मैचों में इनके 8 पॉइंट हैं और इनके भी चांसेस प्रैक्टिकल तौर पे जीवंत हैं और ये भी 16 पॉइंट लेकर प्लेऑफ में बने हुए हैं। अगर हम बात करें 10 मैचों में इनके भी 8 पॉइंट हैं और दिल्ली कैपिटल्स के भी 10 मैचों में 8 पॉइंट हैं, तो हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के लिए अब मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है, इनको एक भी मैचेज नहीं हारना है अगर प्रैक्टिकल तौर पर
पे क्वालिफाइड करना चाहते हैं प्लेऑफ्स के लिए। अदरवाइज मुंबई इंडियंस, पंजाब किंग्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जैसी टीमों के लिए एक मैचों का मार्जिन है जहां पे वो हार सकते हैं, फिर भी उनके चांसेस अलाइव रहेंगे। अदरवाइज ये जो होड़ है वो दिलचस्प बना हुआ और पॉइंट्स टेबल एक ऐसे जगह जाकर पहुंच गया है जहां पे हर टीमें अपनी उम्मीद बनाए हुए रखी हुई हैं। और ऐसा पहली बार आईपीएल के इतिहास में हुआ है कि 53 मुकाबले बीत गए हैं लेकिन आपको अभी तक ये कन्फर्म नहीं हुआ है कि कौन सी टीम बाहर हुई है और कौन सी टीम ने प्लेऑफ में जगह बनाया है। तो आज के अपने इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप सभी अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।